हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन इस पावर को रोक देता है और फिर वो अपने ब्लडी मैजिक ब्लेड को अपग्रेड करता है। फिर क्वीन लास्ट में ब्लैक गैंग के एक मेंबर को मारता है और उस व्यक्ति से क्वीन को एक टोकन मिलता है। वहाँ ये दोनों छोटे बच्चे क्वीन को यहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें क्वीन और इन दोनों छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। वहाँ ये छोटा बच्चा क्वीन से कहता है, हमारा कल्टीवेशन बहुत कम है, तो क्या आप हम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जहाँ पर क्वीन इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर ये छोटी लड़की कहती है, आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हम बस यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहते हैं। वहाँ क्वीन अपने मन में कहता है, एंसर रोड के बारे में मेरे से ज्यादा इनको पता होगा, तो मैं इनको साथ में ले चलूं तो कुछ गड़बड़ भी नहीं होगी। फिर क्वीन इन बच्चों से पूछता है कि टियाना किंग के साथ क्या हुआ है और ये व्यक्ति यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। वहाँ ये बच्चे इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि ये अलायंस लीडर को उनके नाम से कैसे बुला सकता है। वहाँ ये छोटी लड़की अपने मन में सोचती है कि सेट ने इस लड़के को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रखा होगा। फिर वहाँ पर क्वीन का सिस्टम आकर उसे बताता है कि तुम्हें 20 पॉइंट्स मिले हैं। जहाँ पर क्वीन को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये बच्चे उस पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेंगे। फिर वहाँ पर क्वीन इन दोनों बच्चों को अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। जहाँ पर ये दोनों बच्चे क्वीन को शुक्रिया कहते हैं। फिर हमें एनसी रोड के हर लेवल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति इस जगह से आगे नहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि इन सभी को इससे आगे खतरा लग रहा होता है। फिर वहाँ पर क्वीन और वो दोनों छोटे बच्चे इस जगह पर आ जाते हैं। वहाँ सिस्टम क्वीन को इस जगह के अंदर जाने से मना करता है और क्वीन को बताता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है। फिर हमें इन दोनों व्यक्ति को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति इस दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारे सीनियर अभी तक इस जगह से बाहर क्यों नहीं आए, शायद उन्होंने बहाने से इस रोड को देखा और वो अकेले ही फोर्थ लेवल की ओर चले गए हो। जहाँ पर क्वीन इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कोई व्यक्ति इस रोड को अंदर से देखने के लिए भी गया है, लेकिन ये लोग उसका बाहर आने तक का वेट क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर ये दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति से कहता है कि तुम उस व्यक्ति का इंतजार करो और अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। इतना कहते ही ये दोनों व्यक्ति उस जगह की तरफ जाने लग जाते हैं। वहाँ क्वीन इन दोनों व्यक्तियों को रोककर कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक भी हो सकती है और अच्छा ही होगा कि हम उनका वापस आने तक का वेट कर लें। जहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति हंसकर कहता है, तुम वही लड़के हो ना जो फर्स्ट लेवल में ही नीचे गिर गए थे, और कोई ऐसी जगह भी है जो तुम्हारे लिए खतरनाक ना हो? फिर वहाँ ये छोटा बच्चा इन सभी व्यक्तियों को बताता है कि क्वीन ने एंसे रोड के अंदर हम सभी लोगों को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये सच कह रहा है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर हंसने लग जाते हैं। फिर क्वीन इस बच्चे को इन सभी लोगों को इग्नोर करने के लिए कहता है और क्वीन इन सभी लोगों से कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम इस जगह के अंदर जा सकते हो। इतना सुनकर ये सभी व्यक्ति इस जगह के अंदर जाने लग जाते हैं। वहाँ ये छोटी लड़की भी क्वीन की तरफ देखने लग जाती है। जहाँ पर क्वीन इस छोटी लड़की से कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो तुम भी इनके साथ जा सकती हो, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी लोग इसके अंदर जाएगा उनको पक्का कोई ना कोई खतरा होगा। फिर अगले ही सीन में हमें धरती को हिलता हुआ दिखाया जाता है, जैसे कि वहाँ पर कोई भूकंप आया हो। वहाँ ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें इन तीनों व्यक्तियों को बहुत तेज वापस आते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति भागते हुए कह रहा होता है कि बीस्ट आ रहे हैं और यहाँ से भागो। फिर हमें बहुत से बीस्ट को आता हुआ दिखाया जाता है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस जगह से भागने लग जाते हैं।
वहाँ क्वीन भी इन दोनों बच्चों को उठाकर एक पहाड़ के ऊपर ले जाता है और सभी बीट्स को जाते हुए देखता है। वहाँ ये व्यक्ति भागते हुए जानबूझकर इस व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। वहाँ क्वीन इन सभी व्यक्तियों को छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने को कहता है। फिर हमें एक बीट को दिखाया जाता है जो इस व्यक्ति के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर ये व्यक्ति हेल्प के लिए आवाज दे रहा होता है। फिर क्वीन ये देखकर इस व्यक्ति को बचाने के लिए चला जाता है। वहाँ क्वीन अपनी पावर का यूज करके इस व्यक्ति को इस बीच से बचा लेता है, जहाँ पर ये व्यक्ति क्वीन को देखकर हैरान हो जाता है। फिर क्वीन इस व्यक्ति को उठाकर इस जगह से दूर ले जाता है और उसे एक पेड़ के पास रख देता है। फिर वहाँ पर वो दोनों छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, जहाँ पर क्वीन इन दोनों को बैंडेज लगाने का ऑर्डर देता है और इतना कहकर इस जगह से चला जाता है। फिर हमें बहुत से व्यक्तियों को भागते हुए दिखाया जाता है। वहाँ बहुत से बीस्ट इन सभी व्यक्तियों का पीछा कर रहे होते हैं। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो एक एक करके इन सभी व्यक्तियों को बचा रहा होता है। वहाँ ये व्यक्ति भागते हुए इस लड़की को नीचे गिरा देता है। फिर क्वीन उस लड़की की तरफ आते हुए बीस्ट को अपनी पावर से रोक लेता है, जहाँ पर ये लड़की मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सिस्टम क्वीन से कहता है, तुमने दूसरे व्यक्तियों की हेल्प की है तो तुम्हें रिपोर्ट में एक टास्क मिला है जिसमें तुम्हें 20 बीस को मारना होगा और अब हम इस गेम को स्टार्ट करने वाले हैं। फिर वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है और क्वीन के साइड में एक सर्कल सा बन जाता है। वहाँ क्वीन अपने सिस्टम से पूछता है कि ये टास्क इतनी जल्दी कैसे स्टार्ट हो सकता है। फिर वहाँ पर हमें एक नई पावर को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन इन गोलों को टच करके इन बीस्ट को मार सकता है। अगर गोला मिस हो गया तो एक बीस्ट उसके ऊपर हमला कर सकता है। फिर क्वीन एक गोले को मिस कर देता है, जिसके बाद एक बीस्ट क्वीन के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले के कारण क्वीन दूर जाकर गिर जाता है। फिर वहां पर क्वीन ऊपर की ओर देखने लग जाता है, जहां पर बहुत से गोले नीचे की ओर आ रहे होते हैं। वहां क्वीन ये देखकर बहुत घबरा जाता है और यहां पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।